नमस्कार बच्चों, मैं प्रीति चौहान आज आपको आमोदनी पाठ माला में पाठ 6 होली का त्योहार पढ़ाऊंगी। होली का त्योहार, होली का नाम सुन के ही आप सब लोगों को बहुत खुशी होती है, उमंग से आप सभी भर जाते हैं और अपने माता पिता से पिचकारी मांगने की जिद करते हैं। पिचकारी लाके आप लोग अपने दोस्तों को, अपने माता पिता को रंग डालते हैं और इसके अलावा आप मिठाइयां भी खाते हैं। होली की जो सबसे फेमस मिठाई है वो कौन सी है? गुजिया। गुजिया आप सभी लोगों को बहुत पसंद है। तो होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है जानते हो बच्चों? इसके बारे में भी एक बहुत पुरानी कहानी है जो मैं आज आपको सुनाऊंगी। होली रंगों का त्योहार है और होली किस दिन मनाई जाती है? होली फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। बच्चों, होली के संबंध में एक बहुत पुरानी कथा प्रसिद्ध है जो मैं अब आपको सुनाऊंगी। बहुत पुराने समय की बात है कि एक अत्याचारी राजा हिरण्यकश्यप था। वह हिरण्यकश्यप नास्तिक था। नास्तिक में जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता, यानी कि ईश्वर की पूजा ना करने वाला नास्तिक कहलाता है। तो वह नास्तिक था और अपने राज्य की जनता से अपनी पूजा करवाया करता था। वह ईश्वर में विश्वास नहीं रखता था। लेकिन उसका एक पुत्र था जिसका नाम प्रह्लाद था। वह ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त था। हिरण्यकश्यप को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि वह उसकी पूजा ना करके ईश्वर की पूजा करता है। तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया कि हिरण्यकश्यप ने उसे मारने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाई। उसे पहाड़ से नीचे गिराया, सागर की लहरों में फेंका। लेकिन इसके बाद भी हिरण्यकश्यप जो था वह बहुत परेशान था कि क्यों नहीं भक्त प्रह्लाद को कुछ होता है। इसलिए नहीं भक्त प्रह्लाद को कुछ भी होता था क्योंकि वह ईश्वर का भक्त था और ईश्वर उसकी हर संकट में सहायता करते थे। अंत में हिरण्यकश्यप जब प्रह्लाद को तरह तरह से दंडित करने के बाद हार गया, वह नहीं मरा, तो उसने अपनी बहन होलिका के साथ एक योजना बनाई। होलिका को एक वरदान मिला था। वरदान में उसे एक दुपट्टा मिला था कि अगर वह दुपट्टा आग में ओढ़कर वह प्रवेश करेगी तो वह कभी भी नहीं जलेगी, यानी कि जो कुछ भी हानि होगी उस दुपट्टे को ही होगी, उसे कुछ भी नहीं होगा। तो हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि तुम इसे आग में लेकर बैठ जाना और वह दुपट्टा तुम्हारी रक्षा करेगा और जो प्रह्लाद है वह मर जाएगा, आग में जल जाएगा। फिर इसके बाद में होलिका ने उसकी बात मान ली और होलिका भक्त प्रह्लाद को लेकर आग में प्रविष्ट करना, यानी कि घुस गई, बैठ गई आग में। लेकिन आप देखिए कि तभी ईश्वर का चमत्कार हुआ। जो होलिका ने दुपट्टा पहन रखा था वह दुपट्टा उड़कर भक्त प्रह्लाद के ऊपर चला गया और भक्त प्रह्लाद पूरी तरह से सुरक्षित था। लेकिन आग में जो होलिका थी वह जल गई और भक्त प्रह्लाद बच गया। ये ईश्वर का ही एक वरदान था। जब उसकी राज्य की जनता को ये मालूम हुआ कि भक्त प्रह्लाद का कुछ भी बाल बांका नहीं हुआ, उसे कोई खरोंच नहीं आई है, वह पूरी तरह से सुरक्षित है, तो उस राज्य की जनता बहुत खुशी हुई। इसी खुशी में सारी जनता झूमी, नाची, गाई, उन लोगों ने रंग उड़ाया, एक दूसरे को रंग लगाया, एक दूसरे के गले मिले। तो बच्चों, उस दिन से लेकर आज दिन तक हम लोग उसी होलिका दहन के बाद में होली का रंग खेलते हैं, होलिका दहन करते हैं। पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है। उस होलिका दहन को किसलिए किया जाता है? क्योंकि होलिका का वह स्वरूप होली को मानकर उसमें अग्नि जलाई जाती है और उसके अगले दिन सभी लोग झूमते हैं, बच्चे रंग खेलते हैं, पिचकारी से एक दूसरे को रंग डालते हैं, अबीर गुलाल लगाते हैं और मिठाइयां खाते हैं। और बच्चों, इस दिन होली वाले दिन ऊंच नीच, भेदभाव, छोटे बड़े का भेद मिट जाता है। सब लोग एक दूसरे को गले लगाकर प्रसन्न होते हैं और ये सौहार्द के साथ में मन प्रेम से रहते हैं। अब मैं आपको पाठ 6 होली के शब्दार्थ बताती हूँ। उमंग, खुशी।
भगवान की पूजा करने वाला, अत्याचारी दूसरों को सताने वाला, दहन करना आग में जलाना। तो होली वाले दिन हम लोग क्या कहते हैं, जितनी भी बुराइयां होती हैं वे सब आग में जला देते हैं। अब बच्चों मैं आपको प्रश्नोत्तर व अभ्यास कार्य बताती हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर एक, होली का त्योहार कब मनाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को होली का त्योहार मनाया जाता है। प्रश्न नंबर दो, हिरण्यकश्यप प्रह्लाद को क्यों मारना चाहता था? प्रह्लाद ईश्वर का सच्चा भक्त था, हिरण्यकश्यप को उसकी भक्ति पसंद नहीं थी, इसलिए वह प्रह्लाद को मारना चाहता था। प्रश्न नंबर तीन, होली के दिन कौन सा भेदभाव मिट जाता है? तो होली के दिन ऊंच नीच छोटे बड़े का भेद मिट जाता है। प्रश्न नंबर चार, होलिका ने अपने भाई हिरण्यकश्यप के साथ मिलकर क्या योजना बनाई? होलिका ने अपने भाई के साथ मिलकर प्रह्लाद को आग में जलाकर मारने की योजना बनाई। सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। प्राचीन काल में डैस नाम का एक राजा था। किस नाम का एक राजा था? हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। फिर नेक्स्ट है, होलिका डैस को गोद में लेकर आग में जा बैठी। तो किसे गोद में लेकर आग में जा बैठी? प्रह्लाद को। फिर नेक्स्ट है, होली के दिन सब लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं और लगाते हैं, क्या लगाते हैं? गुलाल। फिर इस दिन ऊंच नीच छोटे बड़े का मिट जाता है, क्या मिट जाता है? भेदभाव। अब अगला, सही कथन पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। होली का त्योहार फागुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सही, होली का त्योहार सभी को प्रेम उमंग से सराबोर कर देता है, ये भी सही। प्रह्लाद हिरण्यकश्यप का भक्त था। बच्चों हिरण्यकश्यप का भक्त था या ईश्वर का? तो ये गलत, भक्त प्रह्लाद हिरण्यकश्यप का भक्त था गलत, भक्त प्रह्लाद ईश्वर का भक्त था। फिर प्रह्लाद अग्नि में जलकर मर गया, ये भी गलत। होली के दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, ये आपका सही उत्तर। अगला, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। होली वाले दिन लोग क्या करते हैं? एक दूसरे पर रंग डालते हैं, पटाखे चलाते हैं या दोनों? तो आपका सही आंसर, एक दूसरे पर रंग डालते हैं। फिर अगला, प्रह्लाद किसकी भक्ति करता था? हिरण्यकश्यप की, ईश्वर की या होलिका की? तो आपका सही उत्तर क्या है? ईश्वर की। प्रह्लाद आग में क्यों नहीं जल पाया? होलिका का दुपट्टा उसके ऊपर होने के कारण, आग कम होने के कारण, वरदान मिला होने के कारण। तो आपका सही उत्तर, होलिका का दुपट्टा उसके ऊपर होने के कारण। धन्यवाद बच्चों।